नमस्कार, 10 मिनट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेव के लड्डू। ये इंडिया की ट्रेडिशनल मिठाई है। कई जगह सेव के लड्डू कहा जाता है और कई प्रांतों में सेव लड्डू भी कहते हैं। खास तौर से ये सर्दियों में खाया जाता है और इसे रखकर आप एक महीने तक खा सकते हैं। तो सेव के लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है 300 ग्राम बेसन, 200 ग्राम गुड़, 180 ml पानी, 40 ml तेल। इसे हम गरम करके डालेंगे मोयन के लिए। एक चम्मच सौंफ दरदरी की हुई, 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा, खाने का सोडा। अगर आप ये मेजरमेंट फॉलो करेंगे तो आप पहली बार में भी गुड़ और बेसन का सेव लड्डू बिल्कुल सही बनाएंगे। आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले बेसन का डो तैयार करें। अब हम इसमें हाथ से बीच में थोड़ा सा ऐसे गड्ढा कर लेंगे। दरदरी कुटी हुई सौंफ, बेकिंग सोडा, 40 ml गुनगुना तेल, इसको मिक्स करेंगे। इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। इससे लड्डू हमारे बहुत अच्छे बनेंगे क्योंकि सेव बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको एक डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो ना ज्यादा टाइट तैयार करना है और ना बहुत ज्यादा ढीला। और हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और तेल लगा के इसको ऐसे ऐसे करके चिकना कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, इस तरह का डो तैयार करना है। इसको अच्छी तरह से पूरे में तेल लगा के अब हम इसको रख देंगे 20-25 मिनट के लिए। इसको ढक देंगे, इससे ढकने से पपड़ी नहीं पड़ती है। आइए देखे, 20 मिनट हो गए हैं। हमारा डो देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने ये मोल्ड लिया है। मोल्ड को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा बेसन लेके और इसको ऐसे ऐसे करके और इसमें डालेंगे। अब इसके ऊपर ये कवर लगाएंगे और इसको इस तरह से घुमा के बंद कर देंगे। इसको ऐसे पकड़ के और इस तरह से घुमा के बंद कर देंगे। ये देखिए, ये बंद हो गया। देखिए मोल्ड हमारा तैयार हो गया है। इसको हम इस प्लेट में रख देंगे। हमने गैस जला के एक कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। मोल्ड के साथ इस तरह की जालियां आती हैं। अगर आपको पतले सेव खाने हैं तो आप ये जाली काम में ले सकते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें सेव डालेंगे। इसको एक चक्कू लेके और इस तरह से चक्कू से निकाल देंगे। आप अगर इससे पतले सेव के लड्डू बनाना चाहें तो आप पतला मोल्ड ले लें। हमें इस तरह के मोटे मोटे सेव के लड्डू ज्यादा अच्छे लगते हैं। सेव को पलटने के लिए हम एक करछुली का प्रयोग करेंगे, हेल्प लेंगे। इसको लगा के और ऐसे करके पलट देंगे। देखिए हमारे सेव गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सेव को हम बाहर निकाल लेंगे। हमने सेव बाहर निकाल लिए। सेव हमारे सुनहरे हो गए हैं। सेव ठंडे हो गए हैं। हम इनको हाथ से थोड़ा सा फोड़ लेंगे।
इस तरह से छोटा कर लेंगे थोड़ा। देखिए सेव हमारे कितने खस्ता बने, कितनी आसानी से टूट रहे हैं। सेव के हमको इतने बड़े बड़े टुकड़े करने हैं। अब हम गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 50 ml पानी डालेंगे। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। अब हाई फ्लेम पे हम चाशनी बनाएंगे। गुड़ हमें क्रम्बल करके लेना है। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। आप मक्खन भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। चाशनी तैयार हुई है या नहीं ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें पानी लेंगे और पानी में ये चाशनी डालेंगे इस तरह से। ये हमारी पपड़ी बन जाती है इस तरह से। तो ये हमारी चाशनी तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें धीरे धीरे ये डाल देंगे, सेव डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। इसको 2 मिनट तक मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। कढ़ाई को नीचे उतार के रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। हमारा ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है। हमें ज्यादा ठंडा नहीं करना है, हल्के गरम के गुनगुने से ही हमें लड्डू बनाने हैं। तो उसके लिए पहले हम हाथ पे ऐसे करके ठंडा पानी लगाएंगे। 1 कटोरी में पानी रखेंगे और फिर इसको उठाएंगे और इसको ऐसे ऐसे करके बांध देंगे। ये देखो आपका हाथ ऐसे गुनगुना होना चाहिए, ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा। ये देखिए ये लड्डू बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे सारे लड्डू बनके तैयार हो गए। आपने देखा सेव के लड्डू बनाना कितना आसान है। तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। और कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।